Hi guys, welcome back to my channel and happy Navratri to all of you. I hope you all doing very very well. So as you know, festival season already start ho chuka hai. Abhi Navratri hai, phir Dashera aayega, then Karwa Chauth aayegi and then finally aayega India ka most awaited festival Diwali. So I love Diwali. I love Diwali celebrations because usme bahut si decorations karni hoti hain ghar ki, rangoli banani hoti hai, diye banao, diye jalao and all that stuff which I love the most, and I would love to share my this Diwali experience with you all. So I'm planning to vlog on that day. So uske baad baad mein karenge, but aaj ke liye hum baat karne wale hain Mac strobing cream ke bare mein. So agar aapne mera product regret buying wala video dekha hai to aapko pata hai maine usme dikhaya tha maybelline ka master strobing cream by face studio. To maine usme aapko bataya tha ki wo bahut chunky chunky se particles lagte the. Maine usko har way mein use karke dekha tha, like maine usko foundation se pehle laga ke dekha, foundation ke upar laga ke dekha, foundation mein mix karke laga ke dekha, even maine usko moisturizer mein mix karke laga ke dekha, but still wo natural bilkul bhi nahi lagta tha. Wo bilkul aise lagta hai ki aapne you know sparkle apne face pe dal liye ho. So maine aapko us video mein bataya tha ki maine MAC ka strobe cream liya hai. Ki strobe cream hai ye sabse pehle launch hui thi I think, and MAC aaya tha with I guess 4 or 5 shades. So isme I guess Pinklite hai, Peachlite hai, Goldlite hai and do aur hai shayad. So jo bhi iski information hai wo main niche description mein dal dungi. Iska bada size aata hai, that is around 2500 rupees ka, aur 50 ml इसका क्वांटिटी होता है, पिक्चर मैं यहाँ डाल दूंगी. बट ये इन्होंने यू नो इनके मिनी निकाले थे, तो मैंने ये मिनी लिया है, मैंने बड़ा नहीं लिया है बिकॉज बड़ा ऑब्वियसली महंगा है. सो मैंने सोचा कि चलो पहले छोटा वाला ट्राई करके देखते हैं, अगर अच्छा लगा तो देन आई कैन इन्वेस्ट इन द बिगर वन. इज द मास्टर स्ट्रोब क्रीम हाइड्रेंट ल्यूमिनेक्स. सो इट्स अ स्ट्रोबिंग क्रीम एंड आई थिंक इट्स इन द शेड पिंक लाइट बिकॉज इसमें हल्का सा यहाँ पे पिंक कलर का ये स्ट्रैप बना हुआ है. मैं भी आपको जूम करके दिखाऊंगी. सो जो इसका प्राइस था दैट वाज अराउंड 1200 रुपीज़, बट आई थिंक मुझे ये पड़ा है 1050 का. सो क्वांटिटी इज 30 ml. शेल्फ लाइफ फॉर दिस वन इज 2 ईयर्स. अगेन मैक के जितने भी प्रोडक्ट्स हैं उनकी सबकी आई गेस जो एक्सपायरी है वो 2 ईयर्स की ही है. आप 2 साल तक इसको यूज़ कर सकते हो, लाइक इफ़ यू आर नॉट मेकअप पर्सन जिसको जो डेली डेली मेकअप लगाता है, कभी कभी लगाता है, तो उसके लिए ये छोटा वाला सही रहेगा एंड आई गेस लंबा भी चलेगा अगर आप कभी कभी लगाते हो तो. सो आज हम इसी के बारे में बात करेंगे. सबसे पहले पैकेजिंग की ही बात कर लेते हैं. एज यू कैन सी ये इस तरह की पैकेजिंग में आता है, ट्यूब फॉर्म में है एंड सारे इसके इंग्रेडिएंट्स हैं वो यहाँ पे पीछे मेंशन किए हुए हैं. ऐसा नहीं है कि छोटा है, मिनी पैक है तो यू नो कि इसमें इंग्रेडिएंट्स मेंशन नहीं है, एंड जो भी इसके बारे में इंफॉर्मेशन है वो यहाँ पे इन्होंने इस पर दे रखी है एंड यहाँ से आपको प्रोडक्ट मिलता है. तो मैं आपको पहले इसका स्वॉश दिखा देती हूँ एंड उसके बाद हम इसको फेस पे अप्लाई करके देखेंगे. सो ये है इसका स्वॉश गाइज, आई होप यू कैन सी इट. सो ये आप देख सकते हो, ये है इसका स्वॉच एंड गाइज इसमें ना बहुत ही प्यारी सी जैसे बेबी क्रीम की फ्रेग्रेंस होती है ना, उस टाइप की कुछ तो है. मतलब सम फ्रेग्रेंस इज देयर, कुछ फ्रेग्रेंस इसके अंदर है, बट एज यू कैन सी ये आई गेस पिंक लाइट ही है. लेट्स अप्लाई दिस ऑन आवर फेस एंड देन विल सी कि ये नेचुरल लगता है या नहीं लगता है. इसको अप्लाई कर लेते हैं अब. सो गाइज एज यू कैन सी अभी दिस इज माई बेयर फेस, लाइक नॉट बेयर, ऑब्वियसली मैंने फाउंडेशन लगाया है बट आप देख सकते हो अभी मैंने कोई हाईलाइटर नहीं लगाया है. तो अब मैं इसको आपके सामने ही लगाऊंगी एंड देन हम देखेंगे कि कितना डिफरेंस फील हुआ है इसको लगाने के बाद. सो आर यू रेडी? सो लेट्स अप्लाई दिस. I am done and now you can see the glow right here and this side as well. So you can see the glow. So guys now you can see very clearly काफी ज़्यादा glow आ गया है and to be very honest ये बिल्कुल भी chunky नहीं लगता है, बिल्कुल भी ऐसा feel नहीं होता है कि आपने sparkle डाले हुए हैं. मैं अभी आपको एक
क्लिप शूट करूंगी विद माय फोन और वो मैं यहां डालूंगी बाहर नेचुरल लाइट में विद द फोन. So guys, I hope आपने क्लिप देख लिया है and now you can decide according to yourself. ये बिल्कुल भी unnatural नहीं लगता है, बहुत ही natural लगता है. ऐसा लगता है कि you know आपने कोई ऐसी cream लगाई है या आपको या तो आपके face पे oil आया है या आपने कोई ऐसी cream लगाई है जिससे आपके face पे natural within glow आया है. बिल्कुल भी unnatural नहीं लगता है, बिल्कुल भी ऐसा feel नहीं होता है कि आपने face पे कुछ apply किया है, which I love the most. I mean मेरे लिए तो I guess now ये एक ऐसा product है जो हमेशा मेरे vanity kit में रहेगा. बड़ा तो मैं नहीं लूँगी, लूँगी मैं छोटा वाला ही. Reason ये है कि बड़ा वाला आपको पड़ता है around 2550 ml and ये आपको मिल रहा है 1100 के आसपास, 1100-1200 में 30 ml. तो I guess छोटे की तरफ जाना ज़्यादा बेटर है. बट एक जो नेगेटिव पॉइंट इसका ये हो सकता है अगर आप इसकी तरफ जाते हैं, बिकॉज ये शेड है इट्स अ पिंक लाइट शेड. सो इसके जो ये शेड्स हैं ये अकॉर्डिंग टू आपकी जो स्किन टोन है या अंडरटोन है उसके हिसाब से हैं. आई डोंट नो मेरे फेस पे पिंक टोन ज़्यादा अच्छा लगता है या पीच लाइट ज़्यादा अच्छा लगता है या पिंक लाइट अच्छा लगता है या गोल्ड लाइट ज़्यादा अच्छा लगता, वो मुझे नॉलेज नहीं है. बट अगर आपको लगता है अगर आपकी स्किन फेयर है, कॉम्प्लेक्शन आपका फेयर है या जितना मेरा है उतना उतना आपका कॉम्प्लेक्शन है, देन आई थिंक यू शुड गो फॉर दिस वन. बट अगर आपका कॉम्प्लेक्शन थोड़ा डार्क है तो शायद ये पिंक लाइट आपके लिए नहीं सूटेबल रहेगा. सो मैं आपको ये सजेस्ट करूँगी कि आप एक बार क्या करें, मैक के स्टोर पे जाके एक बार यू नो इनको ट्राई आउट कर लें सभी को. गोल्ड लाइट, पिंक लाइट, पीच लाइट, व्हाट एल्स, जो भी हैं इसके चार या पांच शेड, वो वहाँ पे आप ट्राई एंड टेस्ट आउट कर लें. एंड देन अगर आपको लगता है कि पिंक लाइट आपका शेड है देन गो फॉर दिस वन. अदरवाइज मैं आपको ये बोल सकती हूँ कि आप आंखें बंद करके इसको ले सकते हो, बड़ा वाला भी ले सकते हो. अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं बड़ा वाला तो आप बड़ा वाला भी ले सकते हो. रीज़न इज़ कि ये बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, बिल्कुल भी अननेचुरल नहीं लगता है, डेली वेयर के लिए परफेक्ट है. नाउ हाउ यू हैव टू यूज़ इट, यू कैन यूज़ इट. बहुत से यूट्यूबर्स या बहुत से ब्यूटी ब्लॉगर्स ने आपको बोला होगा कि यू नो इसको आप फाउंडेशन मिक्स करके लगा सकते हैं, आप इसको एज अ बेस लगा सकते हैं या आप इसको एज अ हाइलाइटर लगा सकते हैं. बट मैं आपको ये सजेस्ट करूँगी कि आप इसको फाउंडेशन मिक्स करके ना लगाएं, क्योंकि उसका कोई पॉइंट ही नहीं है. ये आप कितना लगा लोगे इसको उसमें मिक्स करके फाउंडेशन में, तो ये दिखेगा कहाँ. इट्स बेटर कि आप फाउंडेशन लगाने के बाद ऊपर से इसकी एक लेयर लगा लें. लाइक पर्सनली मुझे ये वाला वे ज़्यादा अच्छा लगता है कि पहले फाउंडेशन अप्लाई कर लो एंड देन उसके बाद ऊपर से इसको लगा लो. बट अगर आप ऑयली स्किन वाले हैं तो शायद आपको ऑयली फील हो सकता है. ड्राई स्किन वाले परफेक्टली इस स्टेप की तरफ जा सकते हैं कि पहले फाउंडेशन लगा लें एंड उसके बाद आप यू नो इसको अच्छे से लगा लें. और अगर आप नहीं लगाना चाहते हैं फाउंडेशन तो आप डायरेक्टली इसको एज अ मॉइस्चराइज़र भी यूज़ कर सकते हो. एंड हाइलाइटर के लिए तो ऑब्वियसली है ही है, जहाँ जहाँ आपको आपके हाई पॉइंट्स हैं आपके फेस के वहाँ पे आप इसको एज अ हाइलाइटर यूज़ कर सकते हो. दिस वन इज़ रियली रियली गुड एंड आई लव दिस वन. सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ वीडियो गाइज. आई होप यू फाउंड दिस वीडियो हेल्पफुल. इफ यू फाउंड दिस वीडियो हेल्पफुल गिव दिस वीडियो अ थम्स अप एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माई चैनल. आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो. टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय.